हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एक नया पीसी बिल्ड जिसकी कुल कीमत होगी 10,000 रुपए। जी हाँ, 10,000 रुपए का हम लोग करने वाले हैं एक नया पीसी बिल्ड। हालांकि ये एक गेमिंग पीसी तो नहीं है इस, लेकिन आप इसमें एक कुछ हद तक गेमिंग कर सकते हैं। मैं मानता हूँ आप इसमें ट्रिपल ए टाइटल गेमिंग नहीं कर सकते, जैसे कि लाइट गेमिंग आप कर सकते हैं, जैसे कि ओवरवॉच हो गया, डूम्स हो गया और कुछ लाइटर टाइटल्स। इसमें आप GTA 5 अल्ट्रा सेटिंग पे तो नहीं खेल सकते, लेकिन हाँ, आप अगर आप सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मंजूर करते हैं तो आप जरूर खेल सकते हैं। ये पीसी बेसिकली उन लोग के लिए है जो लोग C++ के प्रोग्राम या कोडिंग करते हैं, या ऑफिस के लिए या स्कूल पर्पस के लिए। तो अगर आप एक ऐसा ही पीसी बनाना चाहते हैं और आपका बजट 10,000 रुपए है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। तो लेट्स बिगिन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो मिस ना करें। तो सबसे पहले इस पीसी बिल्ड का मेन पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है मदरबोर्ड। इस पीसी में हम लोग ने मदरबोर्ड लिया है, वो है इंटेल का LGA 775 सॉकेट वाला। अगर आप पीसी थोड़ा पुराने टाइम से यूज कर रहे होंगे या आप थोड़ी नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा LGA 775 वाले मदरबोर्ड 7-8 साल पहले यूज हुआ करते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। जब ये लॉन्च हुए थे तो ये इनकी कीमत 4,000 से 5,000 रुपये थी, लेकिन अब ये इतना टाइम पुराना हो चुके हैं तो अब इनकी कीमत मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नया लेंगे तो आपको पड़ेगा 1,300 रुपये का। तो अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको 1,300 का पड़ेगा। अगर या मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन लें, ऑफलाइन में आपको शायद ये 800 या 900 का मिल जाएगा। तो अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा प्रोसेसर। इस पीसी बिल्ड में जो हमने प्रोसेसर लिया है वो है इंटेल का E8500, जिसकी कीमत है कोई 600 रुपये। अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो शायद आपको शायद ये 450 का मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहेंगे अमेजोन पे तो ये आपको आराम से 600 से 700 के बीच मिल जाएगा। ये CPU हमें ऑफर करता है 2 कोर और 2 थ्रेड की फ्रीक्वेंसी है 3.02 GHz, मतलब लगभग 3 GHz। मैं मानता हूँ बेसिक कोडिंग के लिए और एप्लीकेशन यूज़ के लिए 3 GHz बहुत है, ये प्रोसेसर इजीली हैंडल कर सकता है। इवन मैं बता रहा हूँ, इस पीसी से पहले मैं वही ही पीसी यूज़ कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग तो नहीं हैंडल कर सकता, लेकिन हाँ, मॉडरेट गेमिंग इजीली हैंडल कर लेगा। हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे आते हैं, जो है हमारा रैम। इस पीसी बिल्ड में हमने रैम लिया है, वो है 2 GB नहीं बल्कि 4 GB, क्योंकि 2 GB में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अटकते हैं, बहुत अच्छे से काम नहीं करते। 4 GB रैम सफिशिएंट है, क्योंकि मदरबोर्ड हमारा DDR2 रैम सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग 4 GB DDR2 रैम लेंगे, इसकी कुल कीमत होगी 1400 रुपीज़। 4 GB रैम गेमिंग के लिए भी सफिशिएंट है और आपके डेली पर्पस वर्क के लिए भी सफिशिएंट है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। ये एक बजट पीसी बिल्ड है, तो हमने यहाँ पर कोई 1 TB या 2 TB हार्ड डिस्क ना लेने के बजाय बल्कि हमने यहाँ पर लिया 160 GB की हार्ड डिस्क, जो कि आपको अगर आप ऑफलाइन स्टोर से लेंगे सेकंड हैंड तो आपको इजीली मिल जाएगी 500 रुपये की, नहीं तो अगर आप ऑनलाइन स्टोर से लेंगे तो वो आपको पड़ेगी 1,000 रुपये की। 160 GB और मीडियम टाइटल के जो गेम होते हैं उन वो शायद ही 4 या 5 GB के होते हैं, और 160 GB आपके लिए बहुत सफिशियंट होगी अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट की। यहाँ पर हमेशा हम लोग एक कैबिनेट लेंगे इंटेक्स का, जिसके साथ प्री बिल्ड PSU आता है। PSU मतलब SMPS पावर सप्लाई, वो इनबिल्ट आता है, और इसमें यहाँ पे हमें ओवरक्लॉकिंग भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं यूज़ करेंगे। तो मैं मानता हूँ जो हमारी इंक्लूडेड पावर सप्लाई है वो हमारी नीड्स के लिए फुलफिल करने के लिए बहुत है। जी हाँ, हमने इस पीसी बिल्ड में ग्राफिक कार्ड भी इंक्लूड करा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक डब्बा पीसी बनाएं। ये पीसी हालांकि बहुत हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकता, लेकिन गेमिंग कैपेबल है। तो इस पीसी बिल्ड में हमने जो ग्राफिक कार्ड इंक्लूड करा है वो है हमारा GT 1030। एक बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ आज के जो मॉडर्न टाइटल हैं उनको भी मीडियम सेटिंग में 30+ FPS तक इजीली चला सकता है। तो पुराना डुअल कोर 4 GB रैम और 1030 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा अगर आप ऑफिस यूज और लिटिल बिट ऑफ गेमिंग करना चाहते हो। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपये है और आप मॉडरेट गेमिंग पीसी और पर्सनल पीसी बनाना चाहते हैं तो ये पीसी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोर कंटेंट के लिए। इस पीसी बिल्ड का जो बेंचमार्क है वो हम लोग आने वाले वीडियो में
बनाने वाले हैं, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत तक देखने के लिए थैंक यू।